नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। हिसार जिसे एक दौर के अंदर जो है कचरा सिटी का नाम दे दिया गया था, जी हाँ, क्योंकि हिसार के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पर भी नजर डालते थे कचरा ही कचरा नजर आता था। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान हो कि स्वच्छ भारत साफ भारत, लेकिन यहाँ पर हिसार के अंदर कहीं पर भी स्वच्छता दिखाई नहीं दे रही थी। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के अंदर जो है हिसार की रैंकिंग भी दिन बर दिन गिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब आपको बता दूं कि रामपुरा मोहल्ला के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और ये जो जगह है आप हमेशा देखते हुए आए होंगे कि जब भी आते होंगे यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ आपको दिखाई देता होगा, कचरे का ढेर हमेशा यहाँ पर लगा हुआ मिलता है। भले ही यहाँ पर सफाई कर्मचारी आकर के कचरा ले जाते थे, लेकिन अगर 2 घंटे बाद आप दोबारा यहाँ पर आते थे तो आसपास के लोग यहाँ पर इतना कचरा फैला देते थे कि 2 घंटे बाद भी वही स्थिति यहाँ की हो जाती थी। लेकिन इस बार नगर निगम की ओर से एक नया प्रयास किया गया है। एक बार दिखाना चाहूंगी, ऊपर आपको कैमरा नजर आ रहा होगा, खंभे के ऊपर कैमरा लगा दिया गया है। हिसार के अंदर जितने भी ऐसे पॉइंट है जहाँ पर कचरा डाला जाता था, कचरे के पॉइंट से वहां पर सभी जगह वाईफाई के कैमरे लगा दिए गए हैं। जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम लोग निकलवा भी सकते हैं, आप भी निकलवा सकते हैं, हम भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कचरा तो लोग डाल करके चले जाते हैं लेकिन वो मानते नहीं है, इसीलिए उसी के लिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। पहली बार जो है हिदायत दे के छोड़ दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन बता दी गई है, गाइडलाइंस निकाल दी गई है नगर निगम की तरफ से। लेकिन अगर दूसरी बार भी वो इंसान यहाँ पर कचरा डालता है तो उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। तीसरी बार ज्यादा फाइन होगा, चौथी बार उससे ज्यादा फाइन होगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो रोजाना यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, नगर निगम की टीम से। आपसे जानना चाहूंगी लगभग कितना कचरा आप रोज यहाँ से उठा करके लेकर जाते हैं? जी, 3 ट्राली डेली निकलता है जी यहाँ पे। अच्छा, 3 ट्राली डेली निकलता है। एक बार जानना चाहूंगी कि नगर निगम की तरफ से कभी ये प्रयास किया गया कैमरे लगाने का, और इससे आप लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? जी, जिस तरह ये घरों में कूड़ाता है, जो गाड़ियाँ भी लगा रखी, ये भी लगा रखे, फायदा नहीं हुआ। कल से ये कैमरा लगाया है। जिस तरह ये मड़वा होता है, चोरी से डाल जाते हैं, हम कहते हैं क्यों डालते हो, तो बोल रहा है भाई हमने तो डाला ही नहीं है, कुछ और बातें ऐसी होती है। तो अब ये इसलिए लगाया जो सब रिकॉर्डिंग हो जाएगी और सारा कुछ पता लग जाएगा कौन डालता है, क्या होता है रामपुरा मोहल्ले में। यहाँ बरबर कट्टे हैं, जो ट्रालियों के मलबे होते हैं, मकान तोड़ा फोड़ी करते हैं, यहाँ मलबे कट्टे बरबर के गिर जाते हैं। यही देख लो, फोटो ले लो, हम ऊपर करवा के प्लाट वाले के साथ लड़ाई ले लेते थे। अच्छा, ये वही प्लाट है जहाँ पर जो है यहाँ के अलावा कचरा डाला जाता है? डाला जाता है जी, यहाँ प्लाट में मलबा गिर जाते हैं, ट्राली अपना मकान बनाते हैं तो ट्राली भरवा के बाहर गिरवाओ, आए कट्टे आए बरबर के गिर जाते हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं है जी, कमेटी निगम में भी नहीं है सुनाई, हम भोग भोग कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ से कचरा उठा करके आप कहाँ पर लेकर जाते हैं? दूर जाती है जी। अच्छा, ढंडूर जाते हैं। ढंडूर आप लोग ही डाल करके आते हैं या फिर अलग से टीम लगाई गई है? टीम अलग है जी, वहाँ सारा अलग है। हाँ जी, तो क्या लगता है कितना फायदा यहाँ पर जो है आप लोगों को होने वाला है? अब कैमरे लग चुके हैं, लग गया जी। फायदा ये है जी, कूड़ा गिरना बंद हो जाओ, सफाई दिखनी चाहिए, हम तो ये भला कहते हैं, निगम का भी भला हो जी। हम तो ये कैमरे लग गया, जो गिरेगा वही फंसेगा। लगातार आप देख पा रहे होंगे नगर निगम की टीम जो है यहाँ पर कचरा उठाती हुई नजर आ रही है। गीला कचरा और सूखा कचरा क्या आप लोग अलग अलग उठाते हैं? अलग अलग उठाते हैं जी, गीला और सूखा कचरा अलग अलग है जी। गीला हर रोज मंडी से या कोई भी आता है ना, गीला अलग लेते, हर रोज चक्कर जाता है गीले का। सूखा अलग से डालते हैं। ठीक है, जो नगर निगम की तरफ से ये प्रयास किया गया है, आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि ये कितना रंग लेकर के आता है। क्या स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के अंदर हिसार की रैंकिंग सुधर पाती है इससे? क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा है स्वच्छ भारत का, वो कितना जो है कारगर साबित हो पाता है? नगर निगम का चलो एक प्रयास तो यहाँ पर हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में देखने वाली बात है कि कितना सफल रहता है, कि क्या जो है यहाँ पर कचरा पहले जितना होता था उससे कम होने वाला है। क्योंकि अभी कल ही कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर कैमरे लग चुके हैं। अब आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। जी हाँ, यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा। आप जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहाँ पर 24 घंटे रहने वाले हैं। अब सतर्क हो जाइए,
क्योंकि अगर अब की बार आपने यहाँ पर कचरा डाला तो आपके ऊपर फाइन भी लगेगा, और यही नहीं चालान जो है सीधा सीधा कट करके आपके घर के अंदर भी पहुँचने वाला है। सिर्फ यही की बात नहीं है, शहर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इस तरीके के जहाँ पर लगातार रेगुलर जो है आसपास के लोग कचरा फेंकते हैं, उनके लिए सख्त हिदायत दी गई है नगर निगम की तरफ से। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी, अपडेट का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक जल्दी से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।